हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम पढ़ेंगे अगस्त मंथ बिहार करंट अफेयर्स वन लाइनर 2022। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? मुजफ्फरपुर बिहार में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? बिहार ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? 6 शिक्षकों को। हाल ही में बिहार राज्य के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? HS कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को। हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च की गई है? शाहनवाज हुसैन। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? JP नड्डा के द्वारा। हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा? 2023 से। बिहार के कितने जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड की पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? 11। हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? BCCI के पूर्व सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष। बिहार की नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? श्री चंद्रशेखर। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? कृषि विभाग की झांकी। दूसरा मिला अग्निशमन विभाग और तीसरा मिला है शिक्षा परियोजना। हाल ही में किस नव नियुक्त तो बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है? आलोक कुमार मेहता ने। वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जहाँ उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिस कर्मियों की सूची में बिहार के कितने कर्मी या अधिकारी शामिल हैं? 7। 2 IPS हैं, सयाली धूरत, सामला राम और विनय तिवारी सहित 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर। 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे कहाँ के निवासी थे? बिहार के गया जिले के गहलोर के निवासी थे वो। हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं? समीर कुमार महासेठ। हाल ही में बिहार की इस राजनीतिक पार्टी को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? JDU। हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 26। 2 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और 7 गैलेंट्री शौर्य पदक, 17 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। हाल ही में बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 4। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में NH की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला किया है, इसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल है? 51। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के लिए कितने करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है? 995 करोड़ रुपये मॉनिटरिंग गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 22 तक बिहार में कितने बाघों की मौत हो गई है? 17। सर्वाधिक बाघ है मध्य प्रदेश, 270। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहु बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? बिहार। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? अतुल प्रसाद।
आर के महाजन के स्थान पर। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री समेकित चोर विकास योजना की। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया है? बिहार। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? गया। बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? मिथिला मखाना। ये मखाना होगा, मखाना लिख रहा है, मखाना। बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता में किस जिले की टीम ने जीता है? पटना ने पूर्णिया को पराजित कर। हाल ही में बिहार के किस जिले के अभिषेक सानू का चयन एशिया कप 2022 में कमेंट्री के लिए हुआ है? भागलपुर। क्षेत्रीय स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? कृषि विभाग की। दूसरा स्थान मिला अग्निशमन विभाग। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए? देवेश चंद्र ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन दो शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? निशी कुमारी पटना और सौरभ सुमन त्रिवेणीगंज सुपौल। ओके गाइस, इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त मंथ। तो बिहार करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है, जस्ट रिवाइज इट एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम। ओके, बाय।